आज काफी दिनों के बाद लोकल आई में बारिश हो रही है। बड़ा खूबसूरत मंजर बना हुआ है। भारी बारिश से तवानाई महसूस हो रही है। मूड अच्छा बन गया है। मौसम भी सुहाना लग रहा है। बारिश की रिमझिम से भी लुत्फ़ानंदोज़ हो रहा हूँ। और दिल कहता है कि ये बारिश होती रहे, 2-3 घंटे होती रहे, नदी नाले भर जाए, गड्ढे पानी से भर जाए, हर जगह पानी ही पानी हो, मौसम ठंडा हो जाए और इंसान दोस्तों के साथ या अकेला बागात वगैरह जाके गर्मी ज़्यादा हो वहाँ पे पिकनिक मनाए तो शायद ये ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात होंगे। तवक्कु कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि बारिश हो जाए, तो आज बारिश हो गई। मौसम पहले काफ़ी गर्म था लेकिन अब हवाएं चलना शुरू हो गई, मौसम ठंडा महसूस हो रहा है। अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया। दिल तो चाहता है कि बस जब मूड बने तो बारिश हो, जब मूड ना हो तो बारिश ना हो। अब ये हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का काम है, बेशक अल्लाह ताला का काम है, लेकिन दुनिया मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है। इसमें दरख्त, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नबातात, इसमें जानवर, इसमें इंसान, सभी तो इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें हैं। तभी तो हम कहते हैं कि नथिंग इज़ यूज़लेस इन दिस वर्ल्ड। तो जब ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनी है तो इसे शायद इंसानों के ताबे होने चाहिए। इंसान इसको बवक्त ज़रूरत इसको इस्तेमाल कर सके, जो तरीका उसके लिए सुटेबल हो और जो टाइम उसके लिए सूटेबल हो, जो चीज़ जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत हो वो चीज़ उसे उस वक्त मिलती रहे। लेकिन हम आप देखते हैं कि रात दिन तो रेगुलर है, हवा भी मौजूद रहती है, रेगुलरिटी है इसमें, पानी की भी एक मखसूस मिकदार इंसान को मिलती रहती है। लेकिन इसके अलावा कुछ इरेगुलरिटीज़ भी है इन हालात में। यानी अब फर्ज़ करें कि इंसान को जब मुसलसल बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत, तो इंसान को नहीं मिलती। अब इंसान को तो ये सारा पानी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता, इनडायरेक्ट इसको इंसान इस्तेमाल करता है, इससे चीज़ें उगा कर ज़मीन में पानी जब भर जाए तो इंसान उसे इस्तेमाल करता रहता है और इंसान माहौल की खूबसूरती के लिए पानी चाहता है। लेकिन ये पानी हर वक्त इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक इंसानों को नहीं मिलता। एक कुदरत के सिस्टम के तहत यह पानी इंसान को मिलता रहता है, लेकिन मुकम्मल इंसान की मंशा के मुताबिक ये पानी जो ख़ासकर जो बारिश की सूरत में होता है इंसान को नहीं मिलता। या फिर जो ज़मीन के अंदर पानी है वो भी हम आप देखते हैं कि हर जगह उसकी जो तकसीम है वो इक्वल नहीं है। तो इसके बारिश के अलावा, पानी के अलावा दूसरी जो ज़मीन पे चीज़ें पाई जाती है इंसान की ज़रूरियात के लिए, वो भी हर जगह तमाम इंसानों को बराबर नहीं मिल रही। अब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, यानी हर इंसान के दो आंख, दो पांव, दो कान, दो हाथ वगैरह हैं और जिस्म भी तकरीबन एक जैसा ही है, या मतलब जो फंक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इंसान को बराबर मिली हुई। अब तमाम इंसानों के जायके की इनकी इस होती है, देखने की इस, काम करती है, चुने की इस होती है। अब चंद इंसानों में चंद चीज़ें मिसिंग हो, पैदाइशी या फिर बाद में एक्सीडेंटली ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये छोटी मोटी इरेगुलरिटीज़ जो दुनिया की सिस्टम में पाई जाती है, क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को जो कुछ सलाहियत दी गई है वो इसको इस्तेमाल करते हुए इन इरेगुलरिटीज़ को भी काबू पा पाए, या फिर हम आप देखते हैं कि जब इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि नेचुरल डिस्टर्ब हो रहा है। नेचुरल डिस्टर्ब हो रहा है मीन्स कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, इंसान जो जिस हद तक जीता आ रहा है, तो ये फिर इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है कि ये फायदेमंद होने की बजाय इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो जब इरेगुलरिटीज भी है इंसान की, जो नेचर ने एक सिस्टम बनाया है उसके तहत भी तमाम इंसानों को पूरी ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं हो रही है, जब इंसान को अपनी मंशा ज़रूरियात के मुताबिक इनको इनके लिए कोशिश करता है तो भी एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, तो क्या इंसान के लिए मुश्किल मुस्तकिल रहेगी
या इंसान को इसी मुश्किल के तहत ही जीना रहा होगा या फिर इनके दरमियान ही कोई रास्ता है कि नेचर भी डिस्टर्ब ना हो, इंसान की मामलात ये ज़रूरियात जो इंसान नेचर के हिस्सों को नेचर की जो अम्पेयर रहमत है इंसान उसको कंट्रोल करके कुछ बेहतर कर सकता है, इनके दरमियान भी कोई रास्ता है। शायद ये वक्त इन्हीं बातों पे सोचने का है और इंसान को मेरे ख्याल में कोशिश तो करनी चाहिए कि जो जो चीज़ें इंसान को जिस वक्त जितनी मकदार में ज़रूरत होती है और उनको नहीं मिल पाती तो इंसान को उसे हासिल करने के लिए इंसान के पास तरीक़ाकार होना चाहिए और इंसान को ये मिल जानी चाहिए। क्योंकि जब नहीं मिल पाती तो आप देखते हैं कि जब इंसान फसलें उगा देते हैं बारिश नहीं होती तो खुशहाली होती है, सैकड़ों किलोमीटर हो जाते हैं, हज़ारों लाखों इंसानों को इनसे मसाइल दरपेश होते हैं, चाहे वो भूख की सूरत में हो चाहे उनसे मरते हैं, तो मसाइल तो मौजूद होते हैं इस तरह की इरेगुलरिटी से। और इंसान को जब इन किस्म के मसाइल का सामना होता है तो इंसान मजबूर हो जाता है, यानी वो तो या मरेगा या फिर जब उसे जीना होगा तो उसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल करना ही एक इंसान की बका का एक रास्ता है कि दुनिया में अब तक जो इंसान ने बका हासिल की है तो इन्हीं तरीक़ों से हासिल की है कि इंसान ने जिन मुश्किलात का उनको सामना था मुख्तलिफ सूरतों में इंसान ने उनका हल ढूंढा है, उन पर काबू पाया है। तो मेरे ख्याल में भी इंसान को ये कुछ करना चाहिए। तो बहरहाल जब हम अपनी कोशिश से नहीं हासिल कर पाते तो जब कुदरत की तरफ से हमें बगैर कोशिश के हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो फिर मज़ा तो आता है, खुशी तो होती है। तो आज वही खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ जब बारिश हो रही है। तो आपसे ये बातें शेयर करनी थी। शुक्रिया।